everyone, welcome to Exam Total Lectures. We are solving questions of NCERT book. Chapter 1 के questions हम discuss कर रहे हैं. 1 to 10 questions हमने previous videos में discuss करे हैं. Link आपको description box में मिल जाएगा. आज हम 11 to 15 question discuss करेंगे. Let's see the 11th question. Question is, what is the concentration of sugar? Sugar का formula होता है C12H22O11 in moles per liter if its 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume up to 2 liters. So, यहाँ पे हम देखें कि हमें निकालना क्या है. First of all, let's see कि what is the concentration of sugar solution हमें moles per liter में निकालना है. And हमने last video में भी देखा था moles per liter यानी कि हमें क्या निकालना होगा, molarity. ठीक है, और यू कैन राइट इट एज मोलैरिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन. दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. अब हमें गिवन क्या क्या है. गिवन है 20 ग्राम्स हमने डिसॉल्व किया है एनफ वाटर में टू मेक फाइनल वॉल्यूम जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर जो टोटल है वो कितना है, 2 लीटर्स है. यानी कि आपको मास कितना गिवन है शुगर का. मास ऑफ शुगर गिवन इज 20 ग्राम्स एंड आपको वॉल्यूम जो गिवन है, वॉल्यूम और यू कैन राइट इट एज वी ऑफ शुगर इज गिवन टू यू, दैट इज 2 लीटर्स. तो मोलैरिटी का फॉर्मूला एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. वॉल्यूम के यूनिट्स तो वही आपको गिवन है, लीटर्स. तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम तो पता है, वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर्स है. लेकिन हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं पता. सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, शुगर. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमें क्या देते हैं, सॉल्यूशन. सो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, शुगर है. और सॉल्वेंट क्या है, एनफ वाटर लिखा है, सो इट इज वाटर. तो ये टोटल जो है ये सॉल्यूशन बना रहे हैं 2 लीटर्स का. ये समझने के लिए है आपके. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास जितना आपको शुगर का गिवन है, मास ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय मोलर मास. एम नॉट हम मोलर मास को लिखते हैं. मोलर मास किसका, सॉल्यूट जो गिवन है, यानी कि C12H22O11 का आपको मोलर मास निकालना है. हमें मोलर मास अभी तक निकालना अच्छे से आ गया है. मोलर मास कैसे निकलेगा, सो इट विल बी 12 कार्बन एटम्स गिवन है एंड मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12 प्लस 22 हाइड्रोजन एटम्स आर गिवन एंड इट्स मोलर मास इज 1 प्लस 11 इंटू 16 ऑफ ऑक्सीजन. सो ये मोलर मास आ जाता है, दैट इज 342 ग्राम्स पर मोल. सो बस अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे. कैसे, इसमें मास हमें पता है, मास ऑफ शुगर गिवन इज 20 ग्राम्स. 20 डिवाइडेड बाय 342, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाते हैं, दैट इज 0.0585. अब हमें नंबर ऑफ मोल्स पता लग गए, यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट कर देंगे एंड वॉल्यूम हमें पता है. सो यहाँ से अब हम मोलैरिटी निकाल लेंगे. मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.0585 डिवाइडेड बाय 2. इसके यूनिट्स हैं, ये मोल में है एंड ये लीटर में है एंड दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, मोल्स पर लीटर. सो द फाइनल आंसर इज 0.02925 मोल्स पर लीटर. अगर हम इसे राउंड करेंगे इट इज 0.029 मोल्स पर लीटर. ये यूनिट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो दिस इज द 11th क्वेश्चन. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 kgs per liter, what is its volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 molar solution. So, सबसे पहले हमें density of methanol given है, हमें
उसका वॉल्यूम चाहिए सो दैट हम 2.5 लीटर का एक सॉल्यूशन बनाएं जिसकी मोलारिटी कितनी हो 0.25 मोलर. सो अगर हम डेंसिटी का फॉर्मूला लिखें, डेंसिटी क्या होता है, दैट इज़ मास अपॉन वॉल्यूम. सो यहाँ पे हमें वॉल्यूम तो पता है 2.5 लीटर्स है, ठीक है, डेंसिटी भी पता है, हमें मास निकालना है. सो मास निकालने का प्रोसेस क्या रहेगा, वी कैन फाइंड इट एज मोलारिटी. आपको पता है मोलारिटी क्या होता है, अभी तक हमें पता है दैट इज़ नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय जो आपका वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का इन लीटर्स, ठीक है. यहाँ से हमें सॉल्यूट क्या है, आपका सॉल्यूट है मिथेनॉल. सो यहाँ से हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता लग जाएंगे. मोलारिटी हमें पता है दैट इज 0.25 मोलर इनटू व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 2.5 लीटर्स, नंबर ऑफ मोल ये आ जाता है 0.625. सो इतने मोल्स हैं किसके, मिथेनॉल के. सो अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मास. हाउ, कॉज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास. मोलर मास किसका, जो सॉल्यूट है, मोलर मास है मिथेनॉल. तो पहले हम एम नॉट निकाल लेते हैं विच इज CH3OH. इसका मोलर मास तो अब तक हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, वी नो दैट 1 × 12 ये कार्बन के एक कार्बन एटम का है प्लस 4 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन एटम. सो ये आता है 32 ग्राम्स पर मोल. सो हम यहाँ पे पुट करेंगे मोलर मास को, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है 0.625 और हमें मास पता लग जाएगा. सो मास ऑफ मिथेनॉल दैट इज CH3OH कितना निकल आएगा, 20 ग्राम्स. सो यहाँ पे हमें मास पता लग गया, यानी कि ये मास पता लग गया, ये मास पता लग गया, डेंसिटी हमें पता है, हमें वॉल्यूम निकालना है. सो इट्स सिंपल, हम वॉल्यूम को इस साइड ले जाएंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू जो हमें मास है सॉल्यूट का गिवन, दैट इज 20 ग्राम्स, एंड डेंसिटी कितना है, दैट इज 0.793 केजी पर लीटर. सो यहाँ पे तो ग्राम्स है और यहाँ पे केजी है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो वी विल कन्वर्ट इट टू ग्राम्स एंड राइट इट हियर, दैट इज 793 × 1000 करके वी विल कन्वर्ट इट टू ग्राम्स. तो ये हमारा ग्राम्स में ही आ गया. हाउ, वॉट इज द वॉल्यूम, ग्राम्स पर लीटर, एंड वॉट इज द वॉल्यूम, इट इज 0.0252 लीटर्स. सो यू कैन राइट इट एज 0.025 लीटर्स. सो दिस इज द वॉल्यूम विच इज नीडेड टू मेक, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल जिसमें हम वाटर ऐड करेंगे टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 2.5 लीटर्स ऑफ मोलारिटी 0.25 मोलर सॉल्यूशन. 13 क्वेश्चन में मेजरली क्या है, एक छोटा सा फॉर्मूला है एंड कन्वर्जन्स है. सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन दी गई है प्रेशर की, दैट प्रेशर इज डिटर्मिंड एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सर्फेस. कोई सर्फेस है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया, दैट इज प्रेशर. हम इसे पी, कैपिटल पी से लिख सकते हैं, फोर्स को कैपिटल एफ एंड पर यूनिट एरिया. उसके बाद एसआई यूनिट बताए गए हैं प्रेशर के, क्या होते हैं, पास्कल, ठीक है. और इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट एरिया है, मीटर स्क्वायर इसका है, एंड फोर्सेस, फोर्स का क्या होता है यूनिट, न्यूटन. सो इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो यहाँ तक तो एक इन्फॉर्मेशन दी गई है बेसिक की. अब ये पूछना क्या चाहते हैं इस क्वेश्चन में, ये यहाँ से आपका शुरू होता है. अगर मास ऑफ एयर एट सी लेवल इतना है 1034 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल.
यानी कि जो हमें एयर प्रेशर निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन में एयर प्रेशर की ये बात कर रहा है, ठीक है। अर्थ है, हमें पता है अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर होता है यानी एयर होती है, वो कंटिन्यूसली प्रेशर एग्जर्ट करती है जिसे हम एयर प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पे पूरे अर्थ की बात नहीं कर रहे, एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमें मास गिवन है, उसका हमें एयर प्रेशर निकालना है। तो लेट्स कैलकुलेट इट। अब इस जब एयर एग्जर्ट करती है यानी कुछ वेट होता है एयर का जो एग्जर्ट कर रही है अर्थ के ऊपर प्रेशर, यानी कि वेट ऑफ एयर यूनिट एरिया की बात करें, दैट इज प्रेशर ऑफ एयर जो कि हमें निकालना है। ये क्या होता है, मास इनटू, ये फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो लेट्स पुट द वैल्यू। मास हमें पता है, मास हमें पता है दैट इज इक्वल टू 1034 ग्राम्स सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटीज 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। अब ये तो नहीं हम यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड गेट द आंसर, वाई, बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे ये मीटर्स में है, ये सेंटीमीटर में है, एंड दिस इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ मास। एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होता है, दैट इज केजी, जो अभी हम देखेंगे। तो वी हैव टू कन्वर्ट दीज फिगर्स, वी हैव टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ दीज फिगर, दिस फिगर इंटू एसआई यूनिट। तो हम इसको पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, वो हम कर सकते हैं 1034 ग्राम्स है पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ग्राम्स को हम कन्वर्ट कर देंगे केजी में और आंसर आपका कितना आएगा, कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 1000, ये आपको कन्वर्जन तो आती ही होगी अभी तक। सो 0.34 सेंटीमीटर स्क्वायर है, याद यहाँ पे याद रखिए, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो दो बार 100 आएगा, सो -4। सो नाउ वी कैन मल्टीप्लाई विद न्यूटन मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, बिकॉज ये भी आपके यूनिट एसआई यूनिट है और ये भी एसआई यूनिट है, यूनिट सेम होने चाहिए। आपका एयर प्रेशर जो आ जाएगा, प्रेशर पास्कल्स में हमें निकालना है, एंड इट विल बी 1.01332 इंटू 10^5 पास्कल्स। सो ये कैसे आया, बिकॉज आपको पता है 1 पास्कल इज 1 न्यूटन मीटर इन इनवर्स स्क्वायर आपको दिया है। We'll solve it. So this is the air pressure. This is the 13th question. Let's see the next question. That is, so question number 14 is, what is SI unit of mass and how it is defined? We all know that SI unit of mass is kg, that is kilograms. अब यहाँ पे जब definition की बात आती है, so 2019 में एसआई यूनिट्स की रीडेफिनेशन हुई है, यानी कि जो हम डेफिनेशन पढ़ते आ रहे थे वो कुछ चेंजेस आए हैं, सेम वे किलोग्राम में भी चेंज आया है। जो प्रीवियस डेफिनेशन थी उसमें किलोग्राम जो यूनिट ऑफ मास होता है, इट इज इक्वल टू मास ऑफ, जो इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम लिया गया, प्लेटिनम इरिडियम एलॉय सिलेंडर की इसमें बात होती थी, विच इज केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इन फ्रांस। लेकिन अब जो रीडेफिनेशन हुई है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट। हमने प्लैंक कांस्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। सो प्लैंक कांस्टेंट एच के ऊपर केजी की डेफिनेशन हुई है, एंड इट हैज सेट टू बी इक्वल टू 6.626070151×10^-34 जूल्स केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। It is expressed in this unit. यहाँ पे meter and second जो है, they are at SI unit में है. So the new definition relates kilogram to the equivalent mass of energy of photon given its frequency via the Planck constant. Next is question number 15. We have to match the prefixes with their multiples. Prefixes है और उसके multiples हैं. Micro is 10^-6, deca is 10, mega is 10^6, giga is 10^9, and femto is 10^12.
minus 50.